हेलो एवरीवन, मैं हूं मीता। वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आप बेबी क्राउन बना सकते हैं अपने घर पे ही DIY करके। इसके लिए आपको चाहिए रहेगा ऐसे कार्डबोर्ड। अगर आपके पास ऐसे कार्डबोर्ड नहीं है, जो कि ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, ज़्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए, तो आप टूथपेस्ट के ऊपर जो कवर आता है या फिर सोप के ऊपर जो कवर आता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको चाहिए रहेगा एक मेजरिंग टेप। अगर आपके पास मेजरिंग टेप नहीं है, आप स्केल या रूलर यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन के लिए आप पेन या पेंसिल यूज़ कीजिए एंड सीजर ले लीजिए कटिंग के लिए। उसके अलावा आपको चाहिए गम। आप कोई सा भी एक गम ले सकते हैं, फैब्रिक ग्लू ले सकते हैं या पेपर वाला ग्लू भी ले सकते हैं। उसके अलावा आपको चाहिए थ्रेड, नीडल एंड एक इलास्टिक। जो आप इलास्टिक ले रहे हैं, अगर ये ब्लैक कलर का है थ्रेड भी आप ब्लैक कलर का लीजिए, अगर ये वाइट कलर का है तो वाइट कलर का ही थ्रेड लीजिए। तो आपको ये नीडल चाहिए एंड थ्रेड एंड इलास्टिक चाहिए। उसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ बीट्स लिए हैं, कुछ कलरफुल बीट्स लिए हैं, छोटे बड़े साइज़ में लिए हैं। तो आपको जैसे भी पसंद है, जो भी कलर के आप चाहते हैं तो उसको ले लीजिए। और यहाँ पे इसको फिक्स करने के लिए मैंने इसे एक टूथपिक लिया हुआ है। आप कोई स्टिक, छोटा सा स्टिक यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको चाहिए ऐसे कोई फैब्रिक आपके पास अगर हो। मेरा जो क्राउन है उसको मैं गोल्डन कलर का बेसिकली बनाऊंगी बेस और उसके ऊपर डिज़ाइन करूंगी। तो मेरे पास जो भी कपड़ा अवेलेबल था तो वही कपड़ा मैं क्लोज़र टू गोल्डन कलर ले रही हूँ। आप कोई भी कलर का ले सकते हैं फैब्रिक, जो भी आप कलर का क्राउन बनाना चाहते हैं। और यहाँ पे मैंने एक फोम बेस्ड जो ग्लिटर पेपर आता है उसको ली हूँ। तो ये सब सामान यूज़ करके कैसे मैं बेबी क्राउन बनाती हूँ तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप ऐसे एक थिक पेपर ले लीजिए, जो आर्ट पेपर आता है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप 13 सेंटीमीटर ले लीजिए यहाँ पे, एंड जो लेंथ है 13 सेंटीमीटर एंड जो विड्थ है उसको हम लोग रखेंगे 4 to 5 सेंटीमीटर। तो अभी यहाँ पे मुझे जो रेक्टेंगल मिला है ये है लेंथ इसका 13 सेंटीमीटर एंड विड्थ है 5 सेंटीमीटर। इसको अभी मैं बीच से मिडिल से ऐसे फोल्ड कर दूंगी। देन यहाँ पे मुझे इसको 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना है। तो व्हाट आई विल डू, मैं इसको ऐसे डिवाइड कर लूँगी 3 फोल्ड में। यहाँ पे जो मिडिल पोर्शन है वो थोड़ा थिक रहेगा, देन मुझे छोटे छोटे यहाँ पे रेक्टेंगल्स मिल जाएंगे। अभी इस पर मैं डिज़ाइन ड्रॉ करूँगी। यहाँ पे मैंने अभी डिज़ाइंस बना लिए हैं तो इसको अभी मैं कट कर लूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हाफ ऑफ डिज़ाइंस बनाए हैं, तो इसको मैं फोल्ड करके जब कट करूँगी तो ये बोथ साइड इक्वल होगा। सो ऐसे यहाँ पे मैंने कट कर लिया है, मेरा हाफ ऑफ द क्राउन हो गया है। तो अभी सेम चीज़ मैं इसको फैब्रिक में कॉपी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं ऐसे ले लूँगी और इधर मैं जस्ट 1.5 सेंटीमीटर छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। तो इसके डबल साइज़ का मुझे कपड़ा यहाँ पे लेना है और बाकी मैं इसको कट कर लूँगी। अभी ये कपड़े को मैंने कट कर लिया है, यहाँ पे इसको मैं फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करके यहाँ पर मैं ग्लू लगा दूँगी। तो ये यहाँ पर ग्लू लगाने के बाद मैं इसको ड्रॉ कर लूँगी। ओके, ये मेरा हो गया। तो इसको अभी मैं क्या करूँगी, इसको इसके ऊपर पेस्ट करूँगी। आफ्टर कटिंग ये ऐसे तैयार हो गया है। ये फैब्रिक साइड है एंड ये फोम ग्लिटर साइड है। तो इसका जो लेंथ है मैं इतना तक रखूँगी। तो जो इतना इसका लेंथ हम लोगों ने इनिशियली लिया था 13,
तो अभी यहाँ पे 14 इंचेस हो गया। नॉर्मली जो बेबी का हेड रहता है वो 35 टू 36 सेंटीमीटर रहता है, तो यहाँ पे मैंने 14 सेंटीमीटर लिया हुआ है। तो अभी जो इलास्टिक मैं लूँगी तो ये इलास्टिक एटलीस्ट 21 टू 22 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पे ये इलास्टिक 21 सेंटीमीटर का है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच होगा और यहाँ पे ये फोल्ड होगा ऐसे, तो इसका ओवरऑल लेंथ हो गया 20 सेंटीमीटर एंड इसका लेंथ हो गया 14 सेंटीमीटर, तो टोटल हो गया 34 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच होगा, तो वो बेबी के हेड पे फिट हो जाएगा। यहाँ पे मैं अभी इलास्टिक को ऐसे अटैच कर दूँगी। ये हमारा बेस अभी रेडी हो गया है। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे एक धागा टाई किया हुआ है सो दैट ये अच्छे से स्टिक होके रहे और यहाँ पे इलास्टिक लग गया है। इसके ऊपर अभी मैं डेकोरेट करूँगी। सो दिस इज द फाइनल लुक।